कैसे हैं मेरे भाई लोग। देखिए, कोई भी आदमी ना जन्मजात अमीर बन के नहीं पैदा होता। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चांस मिलता है कि वो पैदाइशी बहुत अमीर घर में पैदा हो, बहुत अमीर बन के पैदा हो। हाँ, हालांकि इसमें से अमीर बने रहने के लिए 90% लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग अमीर बन सकते हैं जॉब करके भी, तो भाई ये वीडियो बेसिकली उसी पे होने वाला है और मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाँ, हम लोग अमीर बन सकते हैं वो भी जॉब करके। बस इसके लिए हमें सही गाइडलाइन, सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे हमें अमीर बनना है और क्या क्या वो तरीके होंगे जिससे कि हम लोग रिच बन सकते हैं वो भी जॉब करके, और वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं सही जगह इन्वेस्टमेंट करके। तो मैं यही सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से नौकरी से हम अमीर बन सकते हैं, क्या क्या वो तरीके होंगे जो कि हमें अपनी नौकरी के टाइम पे हमें आजमाने चाहिए ताकि हम अमीर बन सके और बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके, रिच बन सके, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन, जो हमारी फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो सके। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आज की वीडियो में, और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम वो स्टेप फॉलो करेंगे तो हम जरूर अपने जॉब से अमीर बन जाएंगे। देखिए, हर किसी के पास तो उतना फैसिलिटी नहीं होता कि वो बिजनेस करे, ना तो उतनी पैसे होती है और ना ही उतना अच्छा खासा फंड होता है हमारे पास कि हम बिजनेस स्टार्ट कर ले, और बहुत लोगों के पास उतना माइंडसेट नहीं हो पाता कि वो बिजनेस को स्टार्ट कर सके और रन कर सके ताकि वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सके। लेकिन हालांकि वो जॉब तो कर ही सकते हैं। देखिए, जॉब हम लोग स्टडी करते हैं, एक टाइम पे होता है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, जॉब भी हमें मिल जाती है। तो हमारे ये स्ट्रगल होता है कि हम जॉब से क्या करेंगे यार, बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन लाइफ हमारी सिक्योर होगी तो होगी कैसे? उसके लिए तो हमें ये तो होता है कि सैलरी मिलेगी हमारी, फिक्स डेली खर्चे चलते रहते हैं। लेकिन आए दिन आपने एक चीज़ ये नोटिस की होगी कि जो जॉब करने वाले बंदे होते हैं, ठीक है, वो उतने ज़्यादा रिच नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनके पास सही गाइडलाइन नहीं हो पाती। ठीक है, अगर उनके पास भी सही गाइडलाइन होना तो वो भी आसानी से रिच हो जाए, और वो अगर सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, अपनी पैसे जो सेव कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से वो लोग रिच बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बोनस कमाए। देखिए, बोनस क्या होता है? अगर जॉब में जैसे कि आप हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बोनस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अगर बोनस वो मिलता है कि जैसे आपने कोई वर्क किया, ठीक है, आप जॉब में हैं, आपने अच्छी फैसिलिटी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आपको बोनस मिलता है एज ए इंसेंटिव के रूप में। ठीक है, आपने टारगेट को कंप्लीट किया तो वहाँ पे बोनस दी जाती है। ठीक है, जैसे एक डिलीवरी बॉय होता है तो उसको स्विगी में ये बोला जाता है कि आपने डेली बेसिस पे इंसेंटिव मिलते हैं या बोनस मिलते हैं, तो उस हिसाब से उसको इंसेंटिव बोनस मिलते हैं, जो कि अच्छा प्लेटफॉर्म होता है पैसे कमाने का। आप उसके लिए अपने डेली जो आपके एम्प्लॉय हैं उनके साथ मीटिंग करिए, कंपनी को ग्रोथ करने की कोशिश करिए, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको फुलफिल करने की कोशिश करिए। अगर टाइम पे आप अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करते हैं तो अच्छी इंसेंटिव और बोनस आपको मिल सकती है, जिससे कि आप लोग ये मंथली और वीकली या ईयरली के रूप में डिवाइड होता है जैसा कि आपका प्रोजेक्ट हो, जिस बेसिस पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो 3-3 महीने के होते हैं, तो 3 महीने बाद आपको बोनस प्रोवाइड होती है। ठीक है, आप कोशिश ये करिए कि अपने बॉस से बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहे। ठीक है, और उनसे बात कर सकते हैं बोनस और इंसेंटिव के बारे में कि किस तरह से आपको बोनस और इंसेंटिव दिया जाएगा उस कंपनी में, और उस हिसाब से आप अपने वर्क के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी वर्क आप करेंगे, जो भी पैसे आप अर्न करेंगे, उसको आपको अच्छी जगह और सही जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तब जाके आप रिच बन सकते हैं। सेकेंड बात कर रिप्लेसमेंट बने रहे। देखिए, कंपनी में आप लोग जॉब करते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं आपके साथ। ठीक है, और अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जाता है तो आपको ये बताना है आपके कंपनी, आपके एचआर डिपार्टमेंट को कि आप उस जॉब को फुलफिल कर सकते हैं, आपको बंदे नया हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जो बंदा छोड़ के गया है उसकी जो डेजिग्नेशन है, उसकी जो सीट है, आप उसको फुलफिल कर सकते हो, उसका भी वर्क कर सकते हो, मतलब आप अकेले दो दो ड्यूटी निभा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे होगा क्या, अब उसकी सैलरी बचेगी कंपनी, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं 1/3 आपको वहाँ पे कंपनी आपको उनकी दे सकती है। उसके लिए आपको ना बात करनी पड़ेगी, और अपने जो आपकी मैनेजमेंट टीम है आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप उनके भी वर्क को हैंडल कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं तो आप उनसे ना सैलरी इंक्रीजिंग या बोनस या इंसेंटिव के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि आप उनके वर्क को देखेंगे आपको वो वर्क का सैलरी के रूप में मिले। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपके एचआर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट टीम आपको मान जाती है तो उस हिसाब से भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रमोशन। देखिए, हर कोई अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है तो वो कोशिश ये रहती है कि अगर वो उसकी प्रमोशन होगी तो उसको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, गुड सैलरी मिलेगी। तो अगर सैलरी बढ़ेगी तो आपको पता ही है कि पैसे होंगे। ठीक है, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस ये होगा कि उसका प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन होगा कैसे? प्रमोशन पाने के लिए उसको अपना बेस्ट टू बेस्ट देना पड़ेगा कंपनी में या फिर जो भी वो जॉब या डेजिग्नेशन पे है।
अगर वो बेस्ट से बेस्ट देगा तो कंपनी को भी अच्छा लगेगा और कंपनी ग्रोथ होगी तो उसको भी मिलेगा, ठीक है। उसको काम करना होगा एज ए लीडर। जब वो एज ए लीडर वर्क करेगा, नए प्रोजेक्ट पे काम करेगा, मैनेजमेंट टीम के साथ कड़ी मेहनत करेगा, तो जो देखिए ऐसा नहीं कि वर्क बोलता नहीं है, काम दिखता नहीं, काम दिखता भी है। जब काम दिखेगा आपने कि जिस हिसाब से आपने काम किया हुआ है, अगर अच्छा लगेगा, आपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से फुलफिल किया होगा, बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा, अगर आपका बॉस, आपकी मैनेजमेंट टीम अच्छे से खुश हो जाएगी, आपके जो आपने प्रोजेक्ट को फुलफिल किया होगा, अगर मैनेजमेंट को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आपका प्रमोशन करेगी, ठीक है। तो जब प्रमोशन होगा तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि आपके जो खर्चे थे आप उसको मैनेज करके ना वहाँ पे वो पैसे बचा के कहीं अच्छी जगह सेविंग कर सकते हैं। बात करते हैं इंक्रीमेंट पर, बात करें, देखिए कंपनी में हर कंपनी का एक बेसिक रूल होता है कि सभी एम्प्लॉई को इंक्रीमेंट देना है, ठीक है। यूजुअली सबको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है, कोई सा भी कंपनी हो, कोई सा भी जॉब हो, सबको इंक्रीमेंट मिलता है। वो डिसाइड ये होता है कि वो किस टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको बात करने की ज़रूरत है, आप अपने मैनेजमेंट टीम से बात करिए, एचआर टीम से बात करिए, ठीक है, और उनसे अपने इंक्रीमेंट के बारे में डिस्कस करिए कि आपको कब दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट एक्चुअली होता क्या है कि वो ईयरली मिलता है, ठीक है, कि आपने जिस हिसाब से वर्क किया होगा ईयरली मिलता है। वो एक्चुअली आपको लगभग ये मान लीजिए कि एक महीने की सैलरी के इक्वल होता है जो आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब आप सोचो आपने 12 महीने अगर वर्क किया हुआ है, ठीक, अगर 40,000 भी आपकी सैलरी है तो एक महीने का आपको एक्स्ट्रा 40,000 मिलेंगे। तो मतलब अगर आप वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हो या एफडी मारते हो तो वो भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जाएगी। आगे बात करते हैं जॉब चेंज करना, ठीक है। अगर आपको किसी कंपनी में 2 या 2 से अधिक साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि आप अपनी जॉब को चेंज करिए। उससे होगा क्या कि आपके तो एक तो पैसे बढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ जो आप कुछ आपने सीखा हुआ है वो दूसरी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस, बहुत कुछ सीखने को चांसेस मिलेंगे। अब होगा ये कि अगर आप कोई सा भी कंपनी चेंज करते हैं, कोई सा भी जिस भी डेस्टिनेशन पे हैं अगर आप उसे चेंज करते हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि जो आपके इंक्रीमेंट है वो भी मिल जाते हैं, जो आपने परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो भी आपको सब कुछ मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको ना जो पैसे आपके बनेंगे वो आप ये सोच लो कि जो आपकी सैलरी थी उसका 20-30% आपको हाइक मिलता है अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग जॉब चेंज करके एक आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट डिसीजन ये होगा कि आप लोग जॉब चेंज करिए, ठीक है। अब इससे आपकी जो सैलरी बचेगी, जो आपके सैलरी थी उससे अच्छी सैलरी मिलेगी। अब अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप लोग अपने खर्चे को मैनेज करके उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सके। देखिए पैसा तो हर कोई कमाता है लेकिन अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं हो पाता हम लोगों का। अब हम लोग का मेन ये फोकस होना चाहिए कि हमें अपने खर्चे को मेंटेन करना है। जिस दिन हम लोग अपने खर्चे को मेंटेन कर लेंगे, जो हमारी सेविंग होगी, जो हमारी एक्चुअल मनी होगी, जो हम आउटपुट हमारे पास आएगा, उसको ना हमें कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए। तो देखिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अच्छे से जांचना परखना है, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई हो, क्योंकि वो ऐसे ही लॉस हमें नहीं जाने देना है। जब हम उसे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन अ फ्यूचर जब हमारी ग्रेजुएटी होगी, हम रिटायरमेंट लेंगे, तो वो हमें बहुत अच्छा खासा पैसा देगा। हालांकि हम अमीर तो बन जाएंगे, उसके साथ साथ हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, हमारी जो जनरेशन होगी वो भी अमीर होगी। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और कुछ ऐसे एफडीज आज के टाइम पे हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, कि वो पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप 2-3 साल में बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे। तो वो आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। तो होप आपको वीडियोस मेरी बहुत अच्छी लगी होंगी और आपने सीखा होगा कि किस हिसाब से हम लोग जॉब करके भी अमीर बना जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखिए अगर हमने सोचा है, आशा है हमारे अंदर, तो हम एक ना एक दिन उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो फिर से आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस को पूरा देखा हुआ है, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, ठीक है, अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई सभी कोई सजेशन है आप मुझे देना चाहते हैं कि मुझे कैसे इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, या कोई वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल दीजिए अपने या कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में वो इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।